नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद ललितपुर की यातायात पुलिस पर एक फरियादी ने आरोप लगाया है कि उसके रिश्तेदार की मोटरसाइकिल यातायात पुलिस द्वारा कागज दिखाने के बावजूद भी बिना कारण बताए सीज कर दी गई है, जबकि सीज करने के बाद ना तो कोई रसीद दी गई है और ना ही गाड़ी को छोड़ा जा रहा है, बल्कि एक माह से कार्यालय के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर में दिए प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रामगोपाल झा पुत्र नाथुराम झा निवासी देलवारा थाना कोतवाली ललितपुर ने बताया कि एक माह पूर्व वो अपने एक व्यवहारी व्यक्ति से मोटरसाइकिल मांगकर रिश्तेदार को अस्पताल दिखाने ले जा रहा था। तभी सदन शाह के पास यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोककर उसे जब्त कर लिया, जबकि मोटरसाइकिल के कागज पूरे थे। कागज दिखाने के बाद भी यातायात पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल को जब्त कर सीज करने की कार्यवाही कर दी गई है। जब प्रार्थी ने सीज करने की एवज में रसीद मांगी तो ना तो प्रार्थी को यातायात पुलिस द्वारा रसीद दी जा रही है और ना ही मोटरसाइकिल छोड़ा जा रहा है, बल्कि रोज थाने के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर से गुहार लगाते हुए मांग की है कि वो मोटरसाइकिल अपने व्यवहारी व्यक्ति से मांग कर लाया था, जो उसे वापस करना है, इसलिए उचित कार्यवाही कर मोटरसाइकिल दिलाई जाए। जी, क्या मामला है? मैं SP ऑफिस में एक शिकायत पत्र देने आया हूँ। हमारी गाड़ी पकड़ी गई और हमारे मिलने वालों की गाड़ी थी और अस्पताल जा रहे थे, तो यहाँ GGIC स्कूल के पास पकड़ ली और उन्हें अंदर रख ली और मुझको बताया भी नहीं, ना कोई वो दिया, पर्ची दी, ना कुछ नहीं दिया हमारे लिए। और दूसरे दिन मैं आया जब यहाँ लेने, तो बोल रहे हैं आपकी गाड़ी सीज हो चुकी है और इसके 14,000 रुपये लगेंगे आपके लिए। और एक महीने से मैं 2-3 बार आया यहाँ पे कि हमें रिसीविंग दो, हम कोर्ट से छुड़वाएं गाड़ी, तो कोई देते नहीं। कल वो सर्च नहीं कर रही मोबाइल पे, इसलिए वो रखी है, और हमको दूसरों की गाड़ी है वो देनी है, तो वो हमको टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए मैं शिकायत पत्र देने आया हूँ यहाँ पे। मतलब शुरू से पूरी, हाँ, क्या समस्या, किस चीज़ के लिए आए थे यहाँ पे प्रार्थना पत्र? हमारी मतलब मैडम की गाय खो गई थी, सो उनकी गाय घर पे आ गई, उन लोगों ने हमारे गाय से मतलब गाय के पैसे ले लिए थे, खो गई थी, और वे पैसे दे नहीं रही। अब उनसे पैसे मांग रहे हैं, सो भी तमाम तरीके की महिलाएं हम लोगों को पैसे नहीं दे रही, इसीलिए हम SP साहब के लिए कंप्लेंट करने आए हैं, और हमारे दूध के पैसे नहीं दे रहे। तो कहाँ कहाँ चली गई थी, क्या रिपोर्ट लिखी थी, कहाँ मिली? गाय दूसरा लड़का चढ़ाता था, सो उससे घूम गई थी, फिर उसके बाद 2 दिन बाद गाय घर पे आ गई। अब वो हम लोगों को पुलिस से मतलब वो कर रही, डरा रही, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी गाय कहाँ पर? गाय अभी मैडम के घर पे बंधी, पूरी मतलब ढकी भाई है सुरक्षा से। तो पुलिस को सूचना नहीं दिया आपने? पुलिस को दी, पुलिस वाले कह रहे कुछ मतलब वो नहीं कर रहे।